थायराइड को लाइफस्टाइल से जुड़ा एक गंभीर रोग माना जाता है, जिससे इन दिनों काफी लोग जूझ रहे हैं। हालांकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। थायराइड दरअसल कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे नेक के ठीक नीचे तितली के जैसी एक ग्रंथि होती है। ये जब थायराइड ग्रंथि का फंक्शन प्रभावित होता है तो इसे हाइपोथायराइडिज्म की सिचुएशन पैदा होती है। अगर समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो ये सेहत पर असर डालती है, साथ ही कई अन्य रोगों को भी बढ़ा सकती है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है आखिरकार ये होता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि थायराइड क्यों और कैसे होता है। हमारी थायराइड ग्रंथि दो इम्पोर्टेंट हार्मोन के उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, T1 और T4 हार्मोन। जब थायराइड फंक्शन प्रभावित होता है तो ये दोनों ही हार्मोन्स का उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाता, या किसी एक का उत्पादन ज्यादा हो जाता है दूसरे का कम। इन दोनों ही हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म फंक्शन के लिए उत्पादन होना बेहद जरूरी है। इनका डिसबैलेंस आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, जिससे शरीर के बाकी हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है। जब बॉडी की थायराइड ग्रंथि प्रभावित होने लगती है तो इससे थायराइड की समस्या शुरू हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि थायराइड दो तरह के होते हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। जब थायराइड ओवर एक्टिव यानी कि अति सक्रिय होते हैं तो इसे हाइपरथायराइड की सिचुएशन होती है। जब ग्रंथि अंडर एक्टिव यानी कि कम सक्रिय होते हैं तो ये हाइपोथायराइड का कारण बनती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।